नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर, आयुर्वेदिक फिजिशियन, स्वागत करता हूं आपका हेल्थ प्लस चैनल पर। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं लोगों के जो मैं आज शेयर कर रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि जो आज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत सारे लोगों की समस्या को हल कर देंगे। मेरे पास बहुत तरीके के पेशेंट्स आते हैं और ज़्यादातर जो मैंने देखा है पेशेंट्स में, सबसे बड़ी कमी ये होती है, अगर उनको चाहे शारीरिक रूप से कोई कमी हो या मानसिक रूप से कमी हो, मगर उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या वो इस बीमारी से ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस एक वो चीज़ है जो आप हारी हुई चीज़ को भी जीत सकते हैं। अगर आपका मनोबल अच्छा है तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो मनोबल हर बीमारी को, सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नहीं, शरीर में कोई भी बीमारी होती है, अगर आपका मनोबल नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती है या ये दवाइयाँ आप पर असर नहीं करेंगी या फिर ये चिकित्सक या ये डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, तो विश्वास मानिए आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हों तो सबसे पहला एक चिकित्सक मतलब डॉक्टर पर विश्वास कीजिए, दूसरा उन औषधियों पर विश्वास कीजिए जो डॉक्टर ने आपको लिखी है, तीसरा आप अपने पे विश्वास कीजिए। आप ये सोचिए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप ठीक नहीं हो। वैसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी होती है। अगर आप में आत्मविश्वास है, चाहे कारण शारीरिक हो या मानसिक हो, तो आप 100% ठीक होंगे। ये आपको जज करना है कि आपको ठीक होना है या नहीं होना है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो अपना मनोबल बढ़ाइए, आप 100% ठीक होंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपना इलाज करा रहे हैं और जब तक दवाई चल रही होती है तब तक उनको फ़ायदा होता है, और दवाई बंद करने के बाद वो उसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जो इलाज से पहले की स्थिति थी। देखिए, अगर आप बिल्कुल समय पे इलाज शुरू करेंगे और नियम के साथ दवाइयाँ खाएंगे तो ये परेशानी आपको कभी भी दोबारा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि शरीर में अगर कोई रोग होता है, जब तक उस रोग को हम पूरी तरीके से शरीर से बाहर नहीं निकाल देते तब तक आप दवाइयाँ मत छोड़िए। आपके चिकित्सक आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि आपको कितने समय तक कितनी दवाई खानी है। हर व्यक्ति के शरीर का एक अलग रूपरेखा होती है, एक अलग उसका व्यक्तित्व होता है। किसी को 2 महीने में फ़ायदा हो जाता है, किसी को 3 महीने में, किसी को 4 महीने में। जिसका शरीर कमज़ोर होता है उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, किसी की परेशानी ज़्यादा होती है तो उसको समय ज़्यादा लगता है। अगर आप अपना इलाज पूर्ण रूप से कराएंगे तो ये बीमारी आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, जब तक आप उस बीमारी को खुद न्योता नहीं दें। आप एक बार बीमारी को ठीक कराने के लिए आप अपनी जीवनचर्या में सुधार लाइए, स्ट्रेस भरी लाइफ को त्याग कीजिए, अच्छा खानपान रखिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए बच सकते हैं। एक व्यक्ति का यह सवाल है कि क्या वेरिकोसील होने के कारण भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, वेरिकोसील एक अलग बीमारी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अलग बीमारी है। जिन व्यक्ति को वेरिकोसील की बीमारी होती है, ऐसा नहीं है कि उनको ईडी की भी प्रॉब्लम हो। तो वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के बाद वेरिकोसील की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और अगर किसी को ईडी है तो ईडी के इलाज से भी ईडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एक व्यक्ति का क्वेश्चन ये है कि जब वो अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाता है तब उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी हो जाती है, या फिर जब वो पॉर्न मूवीज़ देखते हैं या फिर अकेले में होते हैं या फिर वॉशरूम में मास्टरबेट कर रहे होते हैं, मतलब हस्तमैथुन कर रहे होते हैं, तब उनका इरेक्शन बिल्कुल ठीक होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। जब हम वाइफ के साथ रिलेशन बनाते हैं तो एक मानसिक तनाव में होते हैं, हमें एक ऐसा फील होता है कि शायद हम रिलेशन नहीं बना पाएँ। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि वो शायद सक्षम नहीं है, शायद अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, शायद उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के कारण उस व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, मनोबल गिर जाता है, और मनोबल कम होने के कारण उनका इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। और जब वो अकेले होते हैं, अकेले होने के कारण उनको अपने पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनको ये पता है कि उनको किसी के सामने ये रोल प्ले नहीं करना है, किसी को अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखानी है। अकेले होने के कारण या पॉर्न मूवीज़ देखने के कारण या फिर मास्टरबेट करने के कारण उनका इरेक्शन अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पर उनका जो है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूँ
चाहे आप वाइफ के साथ हों, चाहे आप वॉशरूम में अकेले हों, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा मेंटेन रखिए, क्योंकि ये बीमारी खुद पैदा की हुई नहीं है, ये बीमारी आपने अपने मानसिक रूप से तैयार की गई है। आपका मनोबल गिर जाने के कारण ये बीमारी आपको हो गई है। अगर आप इस बीमारी से निकलना चाहते हैं, जो मानसिक रूप से जो बीमार हैं, अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो आप खुद पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% इस बीमारी से निकल सकते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल है कि वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों चीज़ों से इस तरीके की बीमारी हो? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करना, मतलब अल्कोहल शराब को पीना या ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मोक करना, एक शरीर के लिए बहुत कष्टदायक स्थिति है। क्योंकि जब ये दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर में जाती हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोग को उत्पन्न ज़रूर करती हैं। शुगर का मरीज हो, चाहे बीपी के मरीज हो, चाहे अल्कोहल कंजप्शन करने वाले लोग ज़्यादा हों, या फिर जो स्मोक ज़्यादा करते हों, उनके शरीर में ये परेशानी हो सकती है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में नसों का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन कम होना होता है, और ब्लड सर्कुलेशन को कम करने में स्मोक और अल्कोहल एक बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो आप उनको कंट्रोल कीजिए, कम से कम कीजिए। और अल्कोहल लेने से एक मानसिक तनाव भी उभरता है, और मानसिक तनाव एक खुद बहुत बड़ा कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से जितना स्वस्थ रहेंगे, उतने ही आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और जब ये दोनों ही चीज़ें आपकी स्वस्थ होंगी, तो आप किसी भी बीमारी से ठीक होने में सक्षम रहेंगे। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि क्या किडनी स्टोन से ये बीमारी हो सकती है? देखिए, किडनी स्टोन एक अलग बीमारी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अलग बीमारी है। किडनी स्टोन यूरिनल सिस्टम से संबंधित है, और ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। किडनी स्टोन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे पास बहुत तरीके के पेशेंट्स आए हैं जिनकी उम्र 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई है। वो ये बताते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम के कारण आज तक उन्होंने शादी नहीं करी। इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जिनका आत्मविश्वास बहुत समय पहले ही गिर गया। वो ये पहले ही मान लेते हैं कि उनको ये बीमारी हो गई है और शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी ये धारणा बिल्कुल गलत है। वो अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ से अगर आपको परेशानी है तो उसका इलाज संभव है। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आप जितना उससे बच रहे हैं तो वो बहुत बड़ा रूप लेगी। अगर किसी भी परेशानी को आप फेस करेंगे तो वो बहुत छोटी सी हो जाएगी। और हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि वो पहले ठीक हो जाएं उसके बाद शादी करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इसी सोच के कारण वो आज तक ठीक हुए ही नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं शादी करने में, तो सबसे पहले आप इस भ्रम को अपने से दूर हटाइए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आपको जो दिक्कत है वो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। शादी से बचने का कारण सिर्फ आपकी सोच है और आपकी बीमारी नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको परेशानी है और इस मारे आप शादी नहीं कर रहे, तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प कर सकें, और हो सकता है अगर आपको रियल में ऐसी बीमारी है तो आपका इलाज होके आप ठीक हो सकते हैं। मगर इतना बड़ा आप निर्णय मत लीजिए शादी नहीं करने का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो किसी के पास जाते हैं तो उनका इरेक्शन नहीं होता, उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, और जब वो अकेले होते हैं तब वो बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको शायद ईडी की प्रॉब्लम है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार मॉर्निंग इरेक्शंस होते हैं, कई बार मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी सोच को बदलिए। मॉर्निंग इरेक्शन ही इसका एक लक्षण नहीं है कि आप बीमार हो या आप स्वस्थ हो। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बाहर कहीं अगर रिलेशन बनाएंगे तो वो सक्षम नहीं है, तो वो सिर्फ एक सोच पे निर्भर है। कुछ लोगों का सवाल है कि मॉर्निंग इरेक्शंस क्या होते हैं, किस टाइम होने चाहिए? अगर किसी को मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होते हैं तो क्या उसको इस तरीके की बीमारी है? देखिए, मॉर्निंग इरेक्शंस का मतलब होता है कि जब आप सुबह सो रहे होते हैं तो लिंग में तनाव आता है, उसको मॉर्निंग इरेक्शन कहते हैं। बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग इरेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं होते हैं। और जिन लोगों को मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो ईडी
से परेशान हैं या ईडी से ग्रस्त हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये उस रोग का कारण होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से मॉर्निंग इरेक्शंस अगर किसी व्यक्ति को नहीं हो रहे हैं तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं और समय का अभाव होने के कारण मैं बिल्कुल आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मगर अगली वीडियो में या इसका दूसरा समाधान मैं बता देता हूँ। आप एक व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, वो नंबर है 9899-34-5509। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9899-34-5509। अगर आपकी इन सवालों के सिवा और भी कोई सवाल हैं तो आप इस पर व्हाट्सअप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपको फॉलोअप में लेके आपके हर सवाल का जवाब देगी। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप उनसे पूछिए, व्हाट्सअप कीजिए, वो सारी चीज़ें मेरे से डिस्कस करेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान आपके फ़ोन पे ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर साहब हम आपसे इलाज कराना चाहते हैं मगर हम दूर रहते हैं, हम आपके क्लिनिक पर नहीं आ सकते, तो क्या ऐसा संभव है कि जहाँ पर हम रहते हों हम आपका इलाज पा सकें? देखिए, ये बिल्कुल संभव है। अगर आपकी जो भी कोई परेशानी है जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताया है आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम आपको फॉलोअप करेगी, फिर मेरे से बात कराएगी और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी जो दिक्कत है उसका मैं एक ट्रीटमेंट सेलेक्ट करूँगा और मेरी टीम जो है वो कोरियर से आपके एड्रेस तक पहुँचा देगी। और बीच में कभी भी आपको इससे संबंधित जानकारी लेनी हो, दवाइयाँ कैसे खानी है, कैसे चीज़ों से बचना है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, आप कभी भी फ़ोन करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं, मगर समय पे, समय निर्धारित कीजिए, समय पे आप कॉल कीजिए, समय पे कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।